सूरतगढ़ में घायल अवस्था में मिले 8 वर्ष के बालक का मामला। बालक के पिता और दादा ही निकले मामले के आरोपी। पत्नी पर अवैध संबंधों के शक के चलते पुत्र से नफरत करता था पिता, जिसके चलते पिता और दादा ने मिलकर दिया वारदात को अंजाम। बालक से मारपीट कर मरा हुआ समझकर फरार हुए थे आरोपी। सिटी थाना पुलिस को दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है पुलिस। मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की और किस तरह से आरोपी का पता लगा? दिनांक 17/3/22 को होली वाले दिन लगभग 10-11 बजे जरिए टेलीफोन पुलिस थाना में सूचना मिली, जिसमें बालक की डेड बॉडी पुलिस थाना सदर के सामने पड़ी। इसी तरह मौके पर जब पहुंचे तो वहाँ एक बालक जो मरा हुआ नहीं था वो घायल अवस्था में मिला। उस घायल अवस्था में जो बालक था उसको पुलिस लेके आई और तुरंत उसको प्राथमिक उपचार कराया। उसके बाद पुलिसकर्मी जिस अज्ञात बालक को, इसके नाम पता नहीं था, इसको तुरंत प्रभाव से गंगानगर लेके गए। गंगानगर से उसको रेफर करके और पुलिस पार्टी बीकानेर लेगी जहाँ उसका उपचार करवाया गया। इसके बाद हमने अपने क्या बोलते हैं जो इस संबंध में जब जरिए मुखबिर टीमों का गठन किया गया और जरिए मुखबिर जब इसके बारे में हमने पता करवाया और काफ़ी जब इसकी तलाश की गई और तो मुजिमानों के बारे में पता करवाया तो ये जहाँ एक व्यक्ति है श्रवण चौधरी, वो उसके पिता राम रसी चौधरी और उसकी पत्नी पूजा देवी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ, इसमें एक ये अज्ञात जो घायल बालक है ये भी था और एक उसकी बहन, ये लोग रेलवे स्टेशन के ऊपर आके 4 दिन रहे थे। उसके बाद अपने इसी उसको श्रवण चौधरी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था और वो उसको अपनी औलाद नहीं मानता था, इसलिए अपने क्या बोलते हैं इसलिए श्रवण चौधरी ने और उसके पिता राम रसी चौधरी ने दोनों ने इसके साथ मारपीट की और उसको मरा हुआ समझ कर पकड़ लिया। उसके बाद हमने अभी इन दोनों को पकड़ा है और उन्होंने कड़ाई से पूछताछ की, दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार किया। सूरतगढ़ थमल के मुख्य द्वार पर इंटक संगठन का 47वें दिन भी धरना जारी। सभी कर्मचारी ने ऊर्जा मंत्री को भेजे पोस्टकार्ड। सूरतगढ़ थर्मल के मुख्य द्वार पर तकनीकी कर्मचारियों की टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी की मांग को लेकर इंटक संगठन आज 47वें दिन अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है और आज सभी तकनीकी कर्मचारियों ने निर्णय लिया है कि हम लोग ऊर्जा मंत्री के नाम पोस्ट कार्ड अभियान चला रहे हैं और हम सभी तकनीकी कर्मचारी एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से हमारी बात ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार को भेजना चाह रहे हैं और हम फिर पुनः निवेदन करते हैं राजस्थान सरकार से कि अपने अधिकारियों को पाबंद करते हुए हमारी टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी के आदेश अति शीघ्र कराए जाए ताकि इस गर्मी के अंदर हम लोग जो 47 दिन से धरने पर बैठे हैं हम भी हमारे घर जाएं और हमारी ईमानदारी से जो नौकरी है वो नौकरी कर सकते हैं। श्याम सुंदर शर्मा, महामंत्री राजस्थान विद्युत उत्पादन मजदूर यूनियन इंटक। सूरतगढ़ श्री शिव नंदी गौशाला समिति के तत्वावधान में 14 अप्रैल गौमाता का पहली बार आयोजित हो रहे भव्य जागरण की तैयारियां अध्यक्ष राजाराम गोदारा व सचिव डॉक्टर सुनील कुमार के नेतृत्व में जोरों पर की जा रही है। नंदीशाला की सहायतार्थ आयोजित इस जागरण में मारवाड़ के प्रसिद्ध कलाकार व गौभक्त ओमजी मुंडेल अपनी टीम के साथ प्रस्तुति देंगे। नंदीशाला परिसर में रात्रि 8 बजे से शुरू होने वाले जागरण में भव्य दरबार व पंडाल सजाने के साथ सभी श्रद्धालुओं के लिए लंगर प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। इसके लिए भामाशाह व सामाजिक संस्थाएं विभिन्न कार्यों में सहयोग कर रही है। अनमोल मित्र सेवा समिति ने पोस्टर मुद्रण में सहयोग किया गया है। पोस्टर का विमोचन विधिवत रूप से श्री शिव नंदी गौशाला समिति के अध्यक्ष राजाराम गोदारा, कोषाध्यक्ष मदन बेनीवाल व सचिव डॉक्टर सुनील कुमार ने करते हुए समिति का आभार जताया। इस अवसर पर अनमोल मित्र सेवा समिति के पूर्व अध्यक्ष अभय चोपड़ा, अध्यक्ष रविशंकर देरासरी, कोषाध्यक्ष दीपक बोथरा, सहायक कोषाध्यक्ष मनीष सेठिया, उपाध्यक्ष सुरेश संचेती, सह सचिव पारस जैन, सचिव राजीव देरासरी, धनपत सोनी, सुमित देरासरी, सिद्धार्थ बोहरा, तन्मय देरासरी आदि सदस्य उपस्थित थे। सेवा समिति द्वारा 14 अप्रैल 2022 को भव्य जागरण आयोजित किया जा रहा है, उसमें अनमोल मित्र सेवा समिति द्वारा एक छोटा सा मुद्रण करवाया गया है। उसके लिए हमें इस कार्य में भागीदारी करने के लिए शिव नंदी सेवा समिति का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे गौवंश हेतु जो भी कार्य करवाए जाएंगे उसमें हमें हिस्सा लेने के लिए हमें जरूर याद करेंगे। बोलो गौ माता की जय। श्री शिव नंदी गौशाला सूरतगढ़
के प्रांगण में 14 अप्रैल को एक है रात्रि जागरण गो भक्त डॉक्टर ओमजी मुंडेल के साधिन्य में उनकी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। उस प्रोग्राम हेतु अनमोल मित्र सेवा समिति द्वारा छोटा नहीं बहुत बड़ा एक मुद्रण प्रोग्राम, सहयोग जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा सहयोग करके जो शुरुआत की है। मैं अनमोल मित्र सेवा समिति को बार बार हार्दिक बधाई देता हूँ और उनसे अपील करता हूँ कि वो आज से ही 14 तारीख के कार्यक्रम में अपनी सेवाओं के हिसाब से जुट जाएं प्रचार प्रसार में। और इसके अलावा जो उस दिन जागरण होना है, भंडारा होना है, लंगर सेवा होनी है, चाय पानी की सेवा होनी है, उनमें भी एक अपनी टीम बनाकर सेवा भावना से कार्य करने के लिए समय रहते हुए एक बार पहले आकर अपनी ड्यूटी को संभालें। और प्रचार प्रसार में जो भी नंदीशाला को आप अपने सुझाव देंगे उस सुझाव के मुताबिक नंदीशाला प्रचार प्रसार में व्यवस्था बनाने में यहाँ की लाइट व्यवस्था, स्टेज व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, चाय पाने की व्यवस्था में जो भी आप अपना मार्गदर्शन देंगे उसके मुताबिक नंदीशाला समिति उस कार्य को बढ़ चढ़ कर करने के लिए तैयार है। मैं पुनः अनमोल मित्र सेवा समिति को इस मुद्रण कार्य के लिए धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय गौ माता।